नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल एंड सी दुनिया में दोस्तों वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे कपिल प्रिंसेस ओमेन वर्सेस दिगारू वीरांगनास ओमेन के बीच जो होगा इसी टी ट्वेंटी चैलेंजेस का आज का दिन का पहला मैच साढ़े नौ बजे स्टार्ट होगा एंड दोस्तों जो अगला मैच होगा ना इस मैच का वो दे बजे स्टार्ट होगा ये साढ़े आठ एंड साढ़े बारह 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 बजे जो इतना दिन स्टार्ट होता है ना अब क्या हो गया वही साढ़े नौ एंड देर बजे स्टार्ट होगा मैं दोनों ही वीडियो एनालिसिस करूँगा प्लस मैं अलग से क्या करने वाला हूं हूँ दोस्तों इस सीरीज़ के बाद ना हम लोग द उमेस भी कवर करेंगे बट अगले दिन में ना मलेशिया उमेंस का सीरीज़ स्टार्ट होगा सात बजे एंड साढ़े ग्यारह बजे वो सीरीज़ भी मैं कवर करूँगा मैं ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों फ़िलहाल कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो एसोशिएस कंट्रीज़ के टीम्स के इंटरनेशनल मैच हुआ या फिर डोमेस्टिक हुआ उनके जरूर से कवरेज करो इसी के साथ कुछ मैचेस के अपडेट्स इन डिमो टीम भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ तो दोस्तों फटाफट -पड़ से आपको जुड़ना है टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा लिंक पर प्रेस करना है और रिडिरेक्ट हो जाना है दोस्तों टेलीग्राम चैनल आते हैं इस मैच के एलाइसिस पॉइंट में सौ रन यहाँ पे एवरेज स्कोर है दोस्तों सौ एक सौ दस है एवरेज को साढ़े नौ बजे मैच स्टार्ट होगा पांच मैचेस टूर्नामेंट में डन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था दो बार फर्स्ट तीन बार चेजिंग ने इनके जीरो मैचेस टाई और अबंडन रहे के पी से अगर देखोगे ना एक मैच आ रहा है एक मैच विन किया है इन्होंने प्रोबेबल टॉप में उमा चेत्री आपको विकी प्लस ओपन करते हुए दिखेंगे ये रिसेंटली इंडिया के लिए एशिया कप जो है इंडिया खेलेंगे ना उमेस एशिया कप उसमें दोस्तों ये क्या है सिलेक्टेड है इंडिया का स्क्वाड में ये प्लेयर तो हमें रखना ही पड़ेगा मोनिका दास बाय डिफॉल्ट पिक और मेरी टीम का कैप्टन सेफेस्ट कैप्टन मुझे देख रहा है फिलहाल मेरे हिसाब से तो बेस्ट कैप्टन पीक है आपके हिसाब से अगर नहीं है तो कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर सेफेस्ट कैप्टन है और स्मॉल लीग के रिस्पेक्ट में मेरा मोनिका दास सेफ कैप्टन रेखा रानी बोरा एज प्लेयर मैं अपने टीम में, में रखूँगा जेल जो खेलना पसंद करते हो मेरे जैसा वो जरूर इनको ड्रॉप कर सकते हो और जो स्मॉल लीग खेलते हो उनके लिए ये मस्त भी प्लेयर है ड्रॉप करने का सोचना भी मत तीन प्लेयर आ चुके हैं हमारे पास परेशमिता बोरुआ बबली दास मुझे उतना खास लगा नहीं अनामिका बोडी दोस्तों डिसेंट ऑप्शन है एक मैच में तीन ओवर और एक मैच में एक ओवर डाला अच्छी खासी प्लेयर है दोस्तों टीम में रखना सही बात है टीम में एस प्लेयर रख सकते हो कैप वैसी मत बनाओ बट टीम में रखा करो ठीक है शायन का टेका ने दो दो ओवर डाला ग्रैंडली खेलते हो तो ट्राई करना स्मॉली खेलते हो तो इग्नोर करना मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि देखो ओवर इसका डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है ना हो सकता है किसी मैच में दो ओवर में एक विकेट दो विकेट निकाल जाए तो एक दो ओवर डालने वाला प्लेयर तो हमें वो कन्फर्म या फिर कंटिन्यूसली दोस्तों पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे ऐसा नहीं हो सकता तो डिफेंशियल प्लेयर लेना है तो लो अदरवाइज ड्रॉप कर दो भाग्यश्री वर्मन दो छः पे जीरो डो नॉट प्ले सुनीता फुकान डो नॉट बैट डो नॉट प्ले करबी भक्ता तीन बारह एक थ्री पॉइंट थ्री ओवर उन्नीस रन एक विकेट ये एक मस्ट प्लेयर होना चाहिए जिसको आप ड्रॉप रोटेट नहीं कर सकते हो करबी भक्तो को दोस्तों रूपसिका तेर तिर तीन चौदह एक तीन तेरह जीरो डिसेंट ऑप्शन है एस प्लेयर टीम में रखेंगे और जी खेलते हैं जो वो ड्रॉप कर सकते हो इवन में ना स्मॉल लीग में ये मस्ट प्लेयर तो नहीं है बट ना ये अच्छा डिफेंशियल प्लेयर है ठीक है मेरे हिसाब से जरूर आपको ट्राई करना है दोस्तों एस डिफेंशियल इनको ठीक है और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स से इग्नोर करेंगे ओपनिंग बॉलिंग एज डेका रुक्षिका और दोस्तों मोनिका डेथ में करते हुए दिखेंगे दोस्तों अनामिका मोनिका और रेखा ठीक है ये आपको डेट में करते हुए दिखेंगे ये इस सीरीज से पहले के रिकॉर्ड है गाइस इन प्लेयर्स के आप रिव्यू कर सकते हो उमा छेत्री रिसेंटली ये मेड इन इंडिया कॉलअप है इंडिया ए खेल के आ रही है कॉन्फिडेंस हाई है ये ना कनेक्शन इनका अच्छा हो रहा है बैट का मुझे समझ नहीं आ रहा है ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रही है बट प्लेयर अच्छी है टीम में रखना सही बात है और रेखा रनी बोरा बहुत ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है डोमेस्टिक ओवरऑल में बट स्टेट की प्लेयर है अब आपको पता होगा कि इंडिया में डोमेस्टिक में अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टेट के प्लेयर होते हैं वो डोमेस्टिक में बॉलिंग भी करने लगती है अनामिका बोरी और ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे हिसाब से परिश्मिता बोरुआ एक अच्छा डिफेंशियल पिक है लास्ट मैच में दो लास्ट ईयर दो मैच में बॉलिंग कराया था दोनों मैच में विकेट निकाला मे भी खुदा ना खास्ता बॉलिंग डाल जाए दो तीन ओवर तो विकेट निकाल सकती है डिफेंशियल प्लेयर लेना है तो लो स्मॉल लीग में मस्ट पिक शायद नहीं है करबी भक्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड मस्ट पिक प्लेयर है मोनिका दास आपके लिए गो टू पिक प्लेयर है मोनिका दास बाय डिफॉल्ट कैप्टन भी है स्टेट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और डोमेस्टिक में तो ऐसे प्लेयर्स को हमें कैप्टन वाइस कैप्टन एकदम से बना के चलना है बेका ट्वेंटी टाइन मैच एटी सेवन ओवर के नॉट अ बैट चॉइस ग्रैंड लीग चॉइस है आ, दो दो ओवर डाल रही है फिलहाल दोस्तों दो ओवर कंप्लीट नहीं है इनका कनकलता बोडुआ उमेंस दो हज़ार तीस टूर्नामेंट में दोस्तों इस टीम से उमा छेत्री ने सबसे ज़्यादा रन छह मैच में वन एट्टी फोर और उसके बाद भाग्यश्री चार में अस्सी बॉलर में से अनामिका छः में दस भाग्यश्री चार में नौ भाग्यश्री डिफेंशियल प्लेयर अगर खेलती है दोस्तों सुनीता चार में आठ रुक्षिका टिरोंग पाँच मैच में सात हेमा मिली तीन में छः आते ही टी वी के प्लेयर्स की तरफ उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो एंड फटाफट ज्वाइन होना पड़ेगा आपको टेलीग्राम चैनल क्योंकि इस मैच के रिलेटेड एंड अगले मैचेस के कवरेज अपडेट डेमोटीम वगैरह आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करूँगा डीवी से देखोगे तो रश्मि सिन्हा ओपन किया था हीरा मुनी साइकिया के साथ अब ये जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है प्रियंका बोरुआ मस्ट भी प्लेयर है दो एक मेडन पाँच जीरो है और मस्ट मस्ट पिक नहीं है डिफेंशियल प्लेयर है सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मस्ट पिक प्लेयर नहीं हो सकता हीरा मुनी साइकिया वी की सेक्शन में अच्छी चॉइस है बट पर प्रियंका बोरो डिफेंशियल ट्राई कर सकते हो दो एक मेडन पाँच जीरो उसका अन मलिक अट्ठाईस और जीरो इग्नोर करेंगे हेमलता पाएंग दोनों मैच में दोस्तों चार चार ओवर डाले इन्होंने बीस रन चार ओवर में दो विकेट और चौदह रन चार ओवर में तीन विकेट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाती है और बढ़िया कैप्टन पिक भी रहेंगी दोस्तों शांति राय ये भी इस साल इस साल नहीं ये लास्ट ईयर भी दोस्तों लीडिंग विकेट टेक करती है लास्ट ईयर से तो इस साल विकेट भी ज़्यादा गिर रहा है ना तो शांति राय अभी के लिए तो मस्ट पिक अभी के लिए हमेशा ले मस्ट पिक डिफेंशियल ग्रैंड लीग मिनिजियर में कैप्टन बना सकते हो बट स्मॉल लीग के हिसाब से मस्ट पिक एज प्लेयर रहेंगी बेदोश्री बॉरपटाक मैं अपनी टीम में रखूंगा दो से तीन ओवर डाल रही है बट ये बैटिंग कर सकती है दोस्तों अच्छी खासी हिटिंग कर लेती है प्लेयर अच्छी है क्वालिटी वाइज मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा सरप्राइजिंगली क्यों इस प्लेट में ऐसा होता है कि ऐसे प्लेयर्स को ओवर कंप्लीट नहीं कराया जाता देखो ऐसा कोई थोड़ी होगा दो ओवर डाली इन्होंने एक मेडन डाला दो रन एक विकेट कैसी ओवर कंप्लीट नहीं कर सकती का अकली सही क्या दो छ रन एक विकेट दोस्तों मोमपिया दास ने तीन आठ जीरो तीन बार आए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी मोम्पिया इंपॉर्टेंट uh, नहीं है काकुली साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोम्पिया ठीक ठाक चॉइस है डिफेंशियल प्लेयर अगर आपको अच्छी खासी ऑप्शन मिल रही है इनके जगह तो उनको ट्राई करो अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो श्रयोश्री श्रियोश्री दास को एक ही ओवर मिला देखो ऐसे प्लेयर्स ना कभी कभार दो ओवर डाल जाते हैं और विकेट निकाल जाते हैं तो ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जो डिफेंशियल हो सकते हैं दोस्तों बट ये प्लेयर्स आपके लिए डेफिनेटली मस्ट पिक तो नहीं बन सकते ठीक है तो डिफेंशल यूज़ करना है तो करो अदरवाइज ड्रॉप रोटेट बिंदास कर सकते हो आपके हिसाब से मैं अगले पॉइंट्स में आता हूँ दोस्तों अगले पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे हमारे लिए क्या रहेंगे दोस्तों तो ओपनिंग बॉलिंग बी गोहेन मोमपिया और एस राई डेथ में एज पाइंग एस राई और प्रियंका आपको करते हुए दिखेंगी डेथ ओवर्स में बॉलिंग डेथ ओवर में जब बॉलिंग कोई बॉलर करते हैं ना वो कभी कभार एक ओवर में दो तीन विकेट भी निकाल लेते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है जो भी प्लेयर्स जो भी प्लेयर्स आपको डेथ में करते हुए दिखते तो आप उनको चाहो तो ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हो रोटेट करके ही सही बट यूज़ तो जरूर कर सकते हो तो मेरा मानना है कि ज़रूर ट्राई करना और ख़ास करके डेथ ओवर्स तो को डिफेंशर प्लेयर और बॉल फर्स ज़्यादा कर तो ये सीरीज से पहले के रिकॉर्ड है हीरा मुनी साइकिया का कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जहाँ पे इन्होंने इकतालीस मैच में 1000 प्लस इंपॉर्टेंट बात है स्टेट के प्लेयर है बाय डिफॉल्ट पिक मुस्कान मलिक फिलहाल मैं नहीं लूँगा लास्ट ईयर ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं था एक आधा नौ अच्छा था इनका इस साल प्रियंका बोरवा पच्चीस मैच सैंतीस ओवर में आठ ही विकेट है और हिमलता पाएंगे आपके लिए बैडी फॉल्पी फोर्टी मैच एक ओवर चौतीस विकेट है इंपॉर्टेंट है मोंपिया चौदह मैच पच्चीस ओवर में नौ बेदोश्री बरपटरा गोहेन थर्टी uh, सिक्स मैच में इकतीस विकेट वन फोर्टी एट ओवर इंपॉर्टेंट ऑप्शन काकुलिस साइका पंद्रह मैच बासठ ओवर में पंद्रह विकेट एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे दोस्तों शांति राय लास्ट ईयर के लीडिंग विकेट टेकर छह मैच में शायद सात विकेट था इनका और कुछ प्लेयर कनकलता बोरा उमेश दो में प्रियंका चार में एक सौ इकतीस हिरा मुनिनी साई का पाँच में वन बॉलर में से डिम्प्य भूजान चार में नौ बेदोश्री चार में आठ मोम्पिया का पाँच में छः और हिमलता पैंग का चार में पाँच अब चलता हूँ दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम में उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करते हुए जुड़ जाना टेलीग्राम क्योंकि जो फाइनल अपडेट या फिर डेमो टीम्स हुआ वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर पाऊंगा चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में दोस्तों फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम जहाँ पे कैप्टन एम दास है मोनिका दास और वाइस कैप्टन है एच पाइंग हमने ए बोरी को ट्राई किया आर बोरा को ट्राई किया दोस्तों उमा छेत्री हमारे पास है बोरपट्ट्रा गोयन है हमारे पास के भक्तो और टेरोंपी ये एक डिफेंशियल प्लेयर है एम ये दो प्लेयर है जिनके साथ हम लोग रोटेशन करेंगे जो भी प्लेयर इन दोनों में से बॉलिंग फर्स्ट करेगा वो स्लाइटली बेटर ऑप्शन हो जाते हैं ऐसे नहीं कि वो मस्ट वीक प्लेयर है बट डेफिनेटली वो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि वो स्लाइटली आपके लिए एक अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं ठीक है ना आई एस राई मैंने फिलहाल लिया के साइकिया मैंने लिया और ये रहेगा मेरा फिलहाल टीम और इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट हुआ नेक्स्ट मैच इसकी कवरेज अपडेट्स एंड मोटिव मैं शेयर करूँगा आपके साथ टेलीग्राम पर दोस्तों जुड़ना है आपको टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे जहाँ से दोस्तों आप फॉलो आप कर सकते हो ग्रैंड लीग हाउ टू तो मेक ग्रैंड लीग वीडियोज़ हाउ टू तो मेक स्मॉल लीग वीडियोज़ एंड uh, दोस्तों वहाँ पे आपको मिलेंगे मल्टी मैच फैंटेसी मल्टी मैच फैंटेसी के कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस तो वो वीडियोस जाके आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना है एंड आपके दिमाग में अगर कोई भी टॉपिक घूम रहा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बेनिफिटेड रहेंगे हम सब फैंटेसी जूनियर फैमिली मेम्बर्स तो ज़रूर से आप uh, वो कॉमेंट करके बताना इससे दोस्तों हम लोग मिल ग्रो करेंगे मिल खेलेंगे तो फिलहाल ये रहेगा अपडेट नेक्स्ट मैचेस के अपडेट्स टिम्बू टिम वगैरह के साथ मिलते हैं मैच टाइम पर टेलीग्राम पर थैंक यू दोस्तों